अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के फरवरी सीजन के आज का चौथा सवाल, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायक दीपक हलधर किस पार्टी में शामिल हो गए हैं, ए भाजपा, बी आप, सी समाजवादी पार्टी या डी कांग्रेस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में इंटर की परीक्षा के दौरान 10 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा गया। इंटर परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में भागलपुर के टीएनबी कॉलेज सेंटर से 10 मुन्ना भाइयों को दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया, इसके हवाले कर दिया गया। गौरतलब हो कि पहली पाली में परीक्षा हो रही थी और इसी दौरान केंद्र अधीक्षक को परीक्षा दे रहे कुछ परीक्षार्थियों पर शक हुआ, जिसके बाद जब फोटो और सिग्नेचर का मिलान कराया गया तो 10 परीक्षार्थी दूसरे के बदले परीक्षा देते पाए गए। इस दौरान मुन्ना भाइयों से पुलिसिया पूछताछ में यह स्वीकार भी किया है कि वे सभी स्कॉलर हैं और 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक लेकर दूसरे के बदले परीक्षा देते हैं। वहीं इंटर की परीक्षा के दौरान एक सेंटर से बड़ी संख्या में मुन्ना भाई के पकड़े जाने से पूरा प्रशासनिक महकमा सकते में है। को पकड़ा गया जो फर्जी है, जो दूसरे एग्जाम दे रहे थे। ये पीएनबी कॉलेज का मामला है। आज तीसरा दिन केमिस्ट्री की प्रथम पाली की एग्जामिनेशन हो रही थी, जिसमें 10 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो दूसरे बच्चों की जगह पर एग्जामिनेशन दे रहे थे। जब बच्चों से ऐसे की गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ बच्चे 8,000, कुछ बच्चे 10,000 ऐसे ले करके वो दूसरे बच्चों की जगह पर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इन बच्चों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दी गई है। और वैसे जो बच्चे जिनको ऐसे कि जिनके जगह पर ये एग्जामिनेशन दे रहे थे उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। अब दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे जांच पड़ताल? अब ये हम लोगों के पास अब इस पर FIR दर्ज की जाएगी। जो बच्चे जेन्युइन बच्चे थे और एग्जामिनेशन नहीं दे रहे थे और दूसरे जगह पर है सकते उनके जगह पर दूसरे बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो उस बच्चे के जो मूल कॉलेज या मूल विद्यालय है वहाँ के HM को वहाँ या इधर वहाँ के प्रिंसिपल को यह आदेश देंगे कि चूंकि इसके द्वारा इस तरह की गलत कार्य जैसे के किया गया है जो परीक्षा की नियमावली के विरुद्ध है, अतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 1981 के नियमावली के अंतर्गत वो प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करें। इसमें कौन से विद्यालय के बच्चे थे सर, ये सब पता? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि तारर कॉलेज जो है सन्हौला प्रखंड में मैक्सिमम बच्चे उसी कॉलेज के थे। कैसे वो पकड़े गए, किस तरह से जांच हो रही थी, जो कैसे उनमें शक हुआ? जो ऐसा है कि हम लोगों के एग्जामिनेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो किए जाते हैं, साथ साथ जो उत्तर पुस्तिका है और जो अटेंडेंस की रोल शीट आती है जिस पर ऐसे कि बच्चों का साइन कराया जाता है, उन दोनों पर बच्चों की भी फोटो रहती है। और जब हम लोगों ने ऐसे कि लोगों का मास्क कवर को हटवाया तो मास्क कवर हटने के बाद ऐसे कि बच्चे का जो मिलान किया वो बच्चे का चेहरा ऐसे कि मिलता जुलता नहीं पाया गया, बिल्कुल डिफर था। इस वजह से जब ऐसे उन लोगों पे कार्रवाई की गई, सख्ती से पूछताछ किया गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो दूसरे के वजह जगह पे और पैसा लेकर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब मास्क का आड़ लेकर के वो परीक्षा। हाँ, बच्चे ऐसे के मास्क ऐसे के देख रहे हैं, जो भी पकड़े गए हैं वो मास्क कवर की वजह से ही ऐसे के इन कर गए और ऐसे के बाद में वो पकड़े गए। अगस्या का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे
सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फोर प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया, तीसरे दिन इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न। नवगछिया के 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा तीसरे दिन बुधवार को भी शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 3850 परीक्षार्थियों में से 3806 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुल दोनों पालियों में कुल 44 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में हुए रसायन विषय की परीक्षा में कुल 1119 परीक्षार्थी में से 1110 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए एवं 9 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में हुई अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 2731 परीक्षार्थियों में से 2696 ने परीक्षा दी एवं 35 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। तीसरे दिन हुई इंटर की परीक्षा के दौरान एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सभी केंद्र पर चल रही परीक्षा का घूम घूम कर जायजा ले रहे थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि बुधवार को दोनों पालियों में हुई इंटर की परीक्षा सभी केंद्र पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। नवगछिया, अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की ईंट से कूचकर हत्या। पति और उसकी प्रेमिका भाभी ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम, घर से हुए फरार। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में बुधवार को अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की ईंट से कूचकर उसके पति और गोती ने मिलकर हत्या कर दी। मृतका महिला पकड़ा निवासी मंटू राय की पत्नी मानो देवी है। ईंट से पति और उसकी भाभी द्वारा हमला कर दिए जाने के बाद महिला मानो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मानो देवी की चचेरी बहन पकड़ा की ही पूजा देवी ने उसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर मायके वालों को शव सौंप दिया। मामले की प्राथमिकी मृतका की चचेरी बहन पूजा देवी के लिखित बयान के आधार पर पति मंटू राय और मृतका की गोतनी बबीता देवी को नामजद करते हुए नवगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। पुलिस को मृतका के पति और उसकी प्रेमिका की तलाश है। दूसरी तरफ मामले में दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं। घटना के संबंध में मृतका की चचेरी बहन पूजा देवी ने कहा कि सुबह 9 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले बहन मानो देवी के घर पर हो हल्ला हो रहा था। जब वह अपने घर के से निकलकर अपनी बहन के घर पहुंची तो देखा कि उसकी बहन और उसका पति भाभी बबीता देवी और अन्य लोग मिलकर ईंट से मारपीट कर रहे हैं। ईंट से बार बार हमला किए जाने के बाद उसकी बहन का चेहरा, नाक, मुंह बुरी तरह से चोटिल हो गया था। बहन के बेहोश हो जाने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। पूजा ने बताया कि उसके बाद वह मानो को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की बाबत नवगछिया थाने के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शादी हुई थी इसकी? इसकी शादी हो गई 15 साल हो गया। 15 वर्ष। मायके कहाँ आप लोगों का? बीरपुर थाना। बीरपुर थाना में कहाँ? सहोरी महंथन। सहोरी महंथन। इसको बाल बच्चा? एक तो लड़का है 5 साल का। एक लड़का, क्या नाम है? मनु देवी। हाँ, उसका नाम है मृत्युंजय मनो देवी। मृत्युंजय जो मृत्यु उसका मनो देवी नाम है। मनो देवी। हाँ। लड़का का? लड़का सत्यम कुमार। सत्यम। अच्छा, इसका पति का नाम? मिंटू राय। मिंटू राय क्या करता है? बाहर करता है। बाहर काम करता है। अभी यहीं है वो? हाँ, यहीं है। कब आया है? 10 रोज हो गया बाहर। 10 दिन पूर्व आया। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ दोनों में इसका गोतनी दोनों दुल्हन दोनों फंसा हुआ देवर और भाभी। इसका देवर और भाभी? अच्छा, नहीं इसका इसका पति और भाभी से फंसा हुआ है। पति भौजाई से फंसा हुआ है। सर देख ही लेलक तो आप यहाँ हल्ला कर लेते, सब लोग जुटल तो जुटल तो बस एक पलक में दोनों नहीं तालक मारिए हल्ला किया तो सब लोग दौड़ लिया। लोग दौड़ा, इसको मार दिया। हाँ, इसको दौड़ते दौड़ते मन जब तक मैं लोग दौड़ा तब तक मैं मर गया। आपका नाम पूजा है? हाँ, मेरा नाम पूजा है। आप कौन हुए? बहन। आपके पति का नाम? मनोज महतो। दुलाग नाम चिंटू, बाद नाम मनो देवी।
वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया SDPO ने की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र के गतिविधियों पर निगरानी करे थाना अध्यक्ष। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बुधवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन SDPO दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में SDPO ने बीते माह घटे आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान SDPO ने थाना अध्यक्षों को कांडों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष को थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने, थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग तेज करने, केस के डिस्पोजल में तेजी लाने एवं केस के अनुसंधान में जिले में नए SP साहब के द्वारा दिए गए निर्देश का 100% पालन करने का निर्देश दिया। SDPO ने बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष को कहा गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में विद्वेष की भावना प्रबल रहती है, ऐसी स्थिति में आपराधिक घटनाओं के होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने एवं पंचायत के हर गतिविधि पर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कहीं भी अगर किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उक्त बिंदु पर बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में पुलिस जिला के सभी थाने के थाना अध्यक्ष एवं सर्किल के इंस्पेक्टर शामिल हुए। रंगरा रुपौली को पराजित कर नवगछिया पहुंचा फाइनल में। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच में नवगछिया की टीम ने पूर्णिया जिले के रुपौली की टीम को पराजित कर फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। जबकि बीहपुर की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब फाइनल मुकाबला बीहपुर और नवगछिया की टीमों के बीच होना है। इधर दूसरे सेमीफाइनल मैच में नवगछिया ने पहले टॉस जीतकर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 298 रन बनाया। नवगछिया की टीम से चंदन ने मात्र 39 गेंद पर 105 रन बनाया। अमित ने 26 गेंद पर 58 रन बनाया। जवाब में रुपौली की टीम सभी विकेट खोकर 209 रन ही बना पाई और नवगछिया ने 83 रन से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं मैच में मैन ऑफ द मैच चंदन को अवकाश प्राप्त पुलिस इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने पुरस्कार दिया। निर्णायक के रूप में फारूक और निकिते, कमेंट्री सुनील चटर्जी और रोशन कर रहे थे। स्कोरर की भूमिका में अंजनी थे। वहीं आयोजक में युवा शक्ति रंगरा के युवकों की भागीदारी है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 11,000 एवं बिना मास्क के 72 लोगों से 3600 रुपए वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP के निर्देश पर पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में सघन मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बुधवार को पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में किए गए वाहन चेकिंग के दौरान 18 वाहनों को पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से कुल 11,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करने वाले कुल 72 लोगों से भी पुलिस ने जुर्माना वसूल किया है। 72 लोगों से पुलिस ने 3600 रुपए जुर्माना वसूल किया है। नवगछिया 7वें लीग मैच में राइजिंग स्टार विजयी। नवगछिया के खरी के बतरा में चल रहे खेल महोत्सव 2021 के 7वें लीग मैच राइजिंग स्टार भागलपुर बनाम विजन क्लासेस के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन जिला परिषद प्रतिनिधि गगन चौधरी के द्वारा किया गया।
राइजिंग स्टार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले खेलते हुए राइजिंग स्टार की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 425 रन बनाए। राइजिंग स्टार के बल्लेबाज बिहारी ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए 142 रनों की पारी खेला तथा 4 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट हासिल किया। जवाब में उत्तरी विजन क्लासेस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 250 रन ही बना पाई। राइजिंग स्टार के ऑलराउंडर बिहारी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा जिला कार्य समिति की हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला नवगछिया कार्य समिति की बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय नवगछिया में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी किसान मोर्चा नवगछिया रणविजय रोशन चंद्रवंशी एवं जिला अध्यक्ष भाजपा विनोद मंडल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के देव नारायण सिंह ने किया। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों के उत्थान को लेकर जो योजना चला रही है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा विजय सिंह कुशवाहा, गया यादव, त्रिभुवन शर्मा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, संपूर्णानंद पांडे, रामेंद्र प्रसाद सिंह, गौरव सिंह किसान मोर्चा मंत्री, प्रभात शर्मा, राकेश ठाकुर और हिमांशु सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया पीएससी प्रभारी ने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। नवगछिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने ढोलबज्जा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए घेराबंदी, स्वास्थ्य से संबंधित सभी उपकरणों को ठीक करने तथा खरीदने, बागवानी सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया है ताकि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल हो सके। डॉक्टर वरुण कुमार के निर्देश पर ढोलबज्जा अस्पताल में MBBS डॉक्टर आदित्य राज की तैनाती कराई गई है। इस मौके पर डॉक्टर आदित्य राज, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मुखिया राजकुमार उपमुन्ना मंडल सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के गोपालपुर में मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना हेतु कैंप आयोजित। अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के लाभुकों को चिन्हित करने हेतु प्रखंड मुख्यालय में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक शिविर लगाया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए वीडियो प्रियंका ने बताया कि शिविर में पंचायतवार सुयोग लाभुकों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 25,000 रुपए एक मुफ्त सहायता प्रदान किया जाता है। नवगछिया छेड़खानी के मामले में युवक गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के साहू टोला भवानीपुर निवासी वरुण कुमार को नवगछिया पुलिस ने जीबी कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक जीबी कॉलेज के समीप एक युवती के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसकी शिकायत युवती द्वारा थाने में की गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250527। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें
मात्र 15 रुपए से साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817, 7992499821। वानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।